और बाइक चला रहा भाई, बहुत रिस्की है, बहुत। हाथ पैर पूरा पूरा जल रही है, ऐसा लग रहा है कि आग फिर रहा, आग काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैंने पहली बार ऐसा रोटी खा देखो। बारिश स्टार्ट हो गई बड़ी जोर से। कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भागवत गीता। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा। दिल्ली में कितना ख़राब दिन था मेरा, इनफैक्ट कितना ख़राब दिन है। तो अब दिल्ली से निकलने का वक्त आ गया। मैं अपना फ्रेंड के घर में हॉकी स्टिक भूल गया था, तो इसे लेने के लिए वापस आया था। अब यहाँ से निकलते हैं। अभी मैंने अम्बाला का मैट सेट किया है और अभी टाइम हो गया 1:37 और यहाँ से अम्बाला है 225 किलोमीटर दिखा रहा है, 225 किलोमीटर, यानी कि अंधेरा हो जाएगा मेरा अम्बाला पहुँचते पहुँचते। और अम्बाला से आगे आज खींच पाएंगे कि नहीं वो नहीं पता। कोई अगर नया है दिल्ली में, एकदम नया, और बाइक चला रहा भाई, बहुत रिस्की है, बहुत, क्योंकि यहाँ पे कार वालों को कोई भरोसा नहीं, कब प्रसाइन से स्पीड से पार हो रहे। यहाँ पर ट्रैफिक तो इतना भयानक कि आगे बढ़ने का जगह नहीं, और थोड़ा सा भी आगे बढ़ो तो कार सब या बाइक सब इतना स्पीड से आ रही, इतना स्पीड से। और एक टेम्पो वाले ने तो मेरे पैर में ही टेम्पो का चक्का चढ़ा दिया था, वो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। यार क्या है यार, दिल्ली दिल वालों का शहर नहीं रहा अब। दिल दुखाया इस दिल्ली ने, इस दिल्ली ने मेरा दिल दुखा दिया। और क्या ही गर्मी है दिल्ली में, क्या ही गर्मी। मैं पूरा गियर्ड अप हूँ, फिर भी हाथ पैर पूरा पूरा जल रही है, ऐसा लग रहा है कि आग फिर रहा, आग, आग के सामने आग तापने से कैसा फीलिंग होता है, ठीक वैसा ही मुझे फीलिंग हो रहा हाथ पैर सब चीज़ में। दिल्ली सिटी को छोड़ के बाहर आ चुका हूँ हाईवे में, फिर भी दिल्ली का ट्रैफिक इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा दिल्ली में। और उधर पूरा कचड़ा का ढेर, कचड़ा का भंडार है यार, कितने चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता होगा यहाँ से, उस टाइप का वहाँ पे डाला जा रहा और जलाया जा रहा या कुछ और किया जा रहा, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। और यार पूरा दिल्ली का कचरा यहीं पे डाल देते क्या। ठेले सब दिखे बहुत सारे, चलो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो खाना मिल ही जाना चाहिए। खाना है, खाना है। तो यार यहाँ पे मैंने रोटी ऑर्डर दे दिया है, रोटी खाते हैं उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो अम्बाला यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर और है, और मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, तो फ़ोन को मैंने चार्ज में बैठा दिया है। अब खा लेते हैं उसके बाद अम्बाला की ओर बढ़ेंगे, और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। यार यहाँ का रोटी देखो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने पहली बार ऐसा रोटी देखा और पहली बार ऐसा रोटी खा रहा हूँ, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। दो खाया अभी और दो मंगाया, तो मीन्स क्या लगे हुए इसमें मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट काफ़ी मस्त टेस्ट है यार। चलो यार 4 बजने वाले, मैं खाने के बाद यहीं पे स्टूल में बैठ के इधर हैंड डाउन करके सो गया था, आराम हो गया, अब निकलना आ जाए। अब यहाँ से अम्बाला 180 किलोमीटर बचता है और शाम के 4 बज चुके हैं, और मैं आपके हिसाब से बता रहा 7:18 लगेंगे अम्बाला पहुँचने में। तो अम्बाला से और थोड़ा आगे आज एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल मेरा प्लान है कि अगर आज अम्बाले से ज़्यादा एक्सटेंड कर दे थोड़ा, तो कल मनाली पार करके जिस्पा में मुझे रुकना है, जिस्पा में मनाली की जगह मुझे जिस्पा में रुकना है, तो देखते क्या होता है। यार इस हाईवे में अगर ऐसे ट्रैफिक रहा तो फिर मैं तो पहुंचने से रहा आज अम्बाला तक भी, अम्बाला क्या पार करूँगा इस ट्रैफिक का मैं क्या नाम दूँ। हरियाणवी ट्रैफिक। यार दिल्ली से जो ट्रैफिक स्टार्ट हुआ, ख़त्म होने का नाम वो निशान नहीं ले रहा है। ओके मैंने ट्रैफिक का एक जुगाड़ लगाया, देखोगे जुगाड़, ये देखो ट्रैफिक का जुगाड़, साइड से कट लेते हैं। तो मेरे को मेन टेंशन है साइड में इतना ज़्यादा लगे जाए, नहीं तो फिर मैं तो कहीं से भी निकाल देता। सब 15 मिनट से मैं इस ट्रैफिक से ही घुस घुस के निकल रहा हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। ये शहर देख रहे हो इस फ्लाईओवर के साइड में, हाईवे के साइड में, इधर इधर यह है सोनीपत, और सोनीपत से 45 किलोमीटर बाद आता है पानीपत।
जो आप ये NH-44 हाईवे देख रहे हो हरियाणा में, ये बहुत ही फास्ट हाईवे है, बहुत ही फास्ट। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल रही, बहुत तेज़ी से, और बहुत ही ख़तरनाक हाईवे है ये। पूरा काला बादल छाया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल पंप पीछे उधर साइड में उधर रुक के सब कुछ वाटर प्रूफ कर लेता हूँ। चलो मैं लगभग रेडी हो चुका हूँ बारिश में चलाने के लिए, और गम बूट्स वगैरह भी पहन लिया, और टैंक बैग को बाद में वाटरप्रूफ करेंगे जब बारिश आएगा, और फ़ोन को अंदर डालना है, बस इतना ही। अब चलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे, बहुत देर रुक गए, 5:43 हो गया, आज अंबाला नहीं पार कर पाएंगे। मैंने GoPro को भी वाटरप्रूफ करने की कोशिश किया और बाकी सब सेट है। चलो अब निकलते हैं फिर से, अभी और 149 किलोमीटर बचा हुआ है अंबाला। और अभी काफ़ी जोर का हवा चल रही, काफ़ी जोर से, इसमें गाड़ी में ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ, इतना जोर का हवा चल रहा है। यार आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, धूल से कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा जोर का धूल उड़ने लगे, धूल भर गया पूरा का पूरा, कुछ नहीं दिख रहा यार। मैं GoPro का लेंस को कवर करने की कोशिश करता हूँ। हवा तो पहले से थोड़ा सा कम हुआ, मीन्स मैंने 5 से 10 मिनट में पेट्रोल में रुका था, हवा हल्का सा कम हुआ है, तो पूरा कम नहीं हुआ, फिर भी हल्का फुल्का ये हो ही रहा है। तो मैंने सोचा कि हाईवे रास्ता में ना चल के मैं हाईवे के साइड सर्विस लेन में चलूँ, मीन्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मेरा प्लानिंग था कि अंबाला क्रॉस करके आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन अभी जैसा हाल है अंबाला क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट मैं ट्राई करूँ कि एटलीस्ट अंबाला तक तो पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरा अगर अंबाला तक भी नहीं पहुँचा फिर बहुत पीछे हो जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पानीपत में हूँ, और पानीपत के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं तो आज सुन लीजिए, आज जान लीजिए। तो पानीपत वो जगह है जहाँ पे जंग हुआ था, बहुत ही फेमस जंग, बहुत ही पुराना जंग। जी हाँ, 1563 के आसपास जब बाबर और लोध डायनेस्टी के बीच वार हुआ था, 1563, और एकदम मीन्स बहुत पुराना वार है। तो उस वक्त यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का मीन्स दबदबा ख़त्म होने लगा था उस वक्त से, वार के बाद से, और यहाँ पे मुगल्स का मतलब स्टार्टिंग फेज स्टार्ट हो गया वहाँ से, मीन्स इस पानीपत वार के बाद से। बारिश स्टार्ट हो गई यार, बड़ी जोर से बारिश स्टार्ट हो गई, बड़ी जोर से। अब ऐसे में राइड कर पाना थोड़ा तो टफ हो ही जाता है। मैं वह क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, सुबह से बस बुरा ही हो रहा, सब बुरा हो रहा। थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं मैप देख निकाल के थोड़ा देख ही लेता हूँ कि यार मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, क्योंकि तो अगर गलत चल गया तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। नमस्ते चौक, नमस्ते खाली पल्ले खस्ते। नमस्ते चौक पे जाके किसी को नमस्ते भी कहोगे तो बोलेगा हाँ हाँ ये नमस्ते चौक ही है, तो वो ये नहीं समझेगा कि मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ। 1.5 घंटा लगभग हो गया मैं बाइक चला ही रहा था बारिश में, अभी बारिश थोड़ा लगभग 10-15 मिनट पहले से बारिश बंद है, और बाइक को रेस्ट देने का टाइम आ गया है। 1.5 घंटा हो गया बाइक राइड करते करते, और अभी सामने ढाबा दिखा, अच्छा ढाबा, तो यहाँ पे बाइक को रख के ढाबा में बैठ जाता। अभी तो कुछ खाना नहीं है, बोलेंगे ठीक है बाद में ऑर्डर देते, बैठ जाते यार, यहाँ पर बैठने का अच्छी जगह है। टाइम हो गया 8:42, मैंने बहुत देर यहाँ पर रेस्ट कर लिया, और अभी यहाँ से निकलते हैं। ऐसे मैंने अंबाला का मैप डाला था, अंबाला यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, और चंडीगढ़ 120 किलोमीटर है। तो अभी मैंने चंडीगढ़ का मैप डाल दिया,
अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ आज अम्बाला रुकूँ कि चंडीगढ़ रुकूँ। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का नाम है कुरुक्षेत्र। जी हाँ, मैं हूँ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के बारे में आप में से कितनों को पता है, आप में से कितनों को नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं तो बताऊँगा यार, कुरुक्षेत्र के बारे में अगर नहीं जानते हो तो क्या हिंदुस्तान से हो तुम। अगर हिंदुस्तान से हो तो कुरुक्षेत्र के बारे में ज़रूर जानते ही होगे। जी हाँ, कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भागवत गीता। कुरुक्षेत्र वही जगह है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहाँ पे पांडव और कौरव के बीच लड़ाई हुआ था। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को भागवत गीता के बारे में पढ़ाया था। जी हाँ, कुरुक्षेत्र। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार मैं अभी कुरुक्षेत्र में हूँ। एंड अंदर से मुझे गुजबम्स आ रहे हैं यार। यस, आई एम इन कुरुक्षेत्र। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं कुरुक्षेत्र के धरती पे कदम रख पाया हूँ। मैं खुद को गौरविंद फील कर रहा हूँ यार। कोई साइकिल वाला को किसी ने मार के भाग गया। उधर लोग रुके हुए हैं, साइकिल वाला नीचे गिरा हुआ, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, किसी ने मार के साइकिल वाला को भाग गया। अम्बाला से लगभग 10 किलोमीटर आगे आए, उसके बाद एक ढाबा दिखा इस साइड में, राइट साइड में, तो मैं रोड क्रॉस करके जाता हूँ। ये जगह सेफ नहीं लगा, इसीलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं घुसा भी नहीं गाड़ी का, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके बस बाहर से देखा। दो पियक्कड़ आए। यहाँ पे जिस तरह का माहौल था वो मुझे सेफ नहीं लगा, इसीलिए मैं निकल गया यहाँ से। और देखते हैं यार, भूख बड़ी चीज़ नहीं है, सेफ्टी बड़ी चीज़ है। भूख तो चलो मिट जाएगी, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो निकलते हैं यहाँ से, कहीं और खा लिया जाएगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बाइक को रेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल गया है, बहुत ज़्यादा। 20 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया, अब निकलते हैं सीधा चंडीगढ़ के लिए। बीच में कहीं ढाबा वगैरह मिलेगा तो रुक के खा लिया जाएगा, अदरवाइज चंडीगढ़ में देखना पड़ेगा कहाँ पर मिलते खाना। अभी हरियाणा जस्ट क्रॉस करने वाले हैं, थोड़ी देर बाद हरियाणा ख़त्म होगा। सो यस, वेलकम टू पंजाब। दिस टाइम सौभिक मंडल वेलकम्स यू टू पंजाब, मेरे ट्रैवल हिस्ट्री में और एक नया स्टेट, दैट इज पंजाब। आज ही मैंने दिल्ली घुसा, कल नोएडा में आ गया था, तो आज दिल्ली घुसा, दिल्ली से आज हरियाणा, हरियाणा से पंजाब। खाना है नहीं? अरे यार, किधर मिलेगा खाना, 11:30 बज चुके रात के, यहाँ पे कुछ मिल सकता है शायद। रोटी और दाल फ्राई, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ सोना है। तो यार मैंने यहाँ पे खाना खा लिया, अब मैंने 1-2 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप देख के रखा है, ठीक ठाक पेट्रोल पंप है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलता हूँ। अगर वो वहाँ पे रहने का पॉसिबिलिटी बनता है तो वहीं रह जाएंगे आज। चलो देख लिया जाए। उधर हम लगा दे रहे हैं आगे में। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इस पेट्रोल पंप में रुका हूँ, जल्दी से मैं अपना टेंट यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि सो पाऊँ, एंड सुबह जल्दी से निकल जाएंगे उठ के। भाई आज का दिन का सफ़र का मैं बताता हूँ, आज तो भाई बहुत बुरा दिन था भाई, बहुत बुरा। स्टार्टिंग सुबह एक चाचा से लफड़ा हो गया, उसके बाद 2500 का फटकारा लग गया क्योंकि सैडल बैग कम का था नहीं। भली क्वालिटी अच्छा है लेकिन उतना महंगा मुझे नहीं लेना था, मुझे 1000-1200 मैक्सिमम जाना था, बट यहीं पे लद्दाख का बजट पूरा बिगड़ गया। उसके बाद हॉकी स्टिक में वो भूल गया था, फिर वो लाने के लिए वापस फ्रेंड के घर जाना पड़ा।
फिर वहाँ से निकला तो ट्रैफिक जाम, फिर उसके बाद बारिश, यार सारे के सारे पनौती आज ही लग गए मुझ पे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज का। आज टोटल राइड हुआ 316 किलोमीटर, ज़्यादा राइड नहीं हो पाया क्योंकि यार आपने पूरा दिन भर देखा है कैसा दिन पनौती निकला आज। हाँ, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा लद्दाख सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।